नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। और आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 20 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में अशोक लवासा, जिनको एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के लिए भी भेजा गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेजा गया है उपाध्यक्ष के तौर पर, उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर वो वहां पर काम करेंगे या वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वो काम करेंगे, लेकिन वो वहां पर किसी एक भारतीय अधिकारी का स्थान लेने वाले हैं। अशोक लवासा कौन है और उनको वहां पर एशियाई विकास बैंक में किसका स्थान लेना है, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो लेकिन वीडियो पर जाने से पहले या करंट अफेयर्स की ओर जाने से पहले वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो और ज्यादा लोग देख लेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, और अगर आप लाइक कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्यार देने से बढ़ता है। जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही प्यार मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल अशोक लवासा के बारे में बात करते हैं। अशोक लवासा जी वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ये दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले नागेंद्र जी थे, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के तौर पर भेजा गया था। इनको भी एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर काम करने के लिए भेजा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये हैं कौन और कैसे चर्चा में आए थे। 2019 में आपने इनका बहुत नाम सुना होगा, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों पर जब चुनाव आयोग ने, यानी कि जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, तो इन्होंने उसका काफी विरोध किया था। इसके बाद फिर ईडी की जांच हुई, इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनके घर पर रेड मारी, इनकी बीवी और पत्नी के खिलाफ काफी सारे आरोप तय किए गए, लेकिन बाद में देखा गया कि उसकी जांच का क्या रिपोर्ट आया उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन तब इनका एक आर्टिकल टाइम्स नाउ में आया था, उसमें यह लिखा हुआ था कि एक ईमानदार अगर आदमी काम कर रहा है और शासन या प्रशासन उसको परेशान करने में लग जाता है तो उस समाज का पतन निश्चित है, जिसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। तो हाल फिलहाल अशोक लवासा जो कि अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ इंडिया बन सकते थे, उन्हें अभी एडीबी भेजा जा रहा है और उपाध्यक्ष के तौर पर वो काम करेंगे। उन्होंने खुद ये इस्तीफा दिया है और रामनाथ कोविंद जी से कहा है कि 31 अगस्त से पहले उनका कार्यकाल पूरा कर दिया जाए। आइए न्यूज पढ़ते हैं। तो अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है और अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष पद का संभालने जा रहे हैं। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। अशोक लवासा को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बैंक में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा चुनाव आयोग से अपने कार्यकाल से पहले जाना निर्वाचन आयोग के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसी घटना हो रही है। निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक लवासा दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा देकर जाना पड़ रहा है। अशोक लवासा से पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने तब इस्तीफा दे दिया था जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था। तो एक तरह से प्रमोशन ही है, आप चाहे सैलरी पे स्केल पर देख लीजिए, अभी वो एक देश के बारे में देख रहे थे और अब वो एक ऐसे बैंक से जुड़ जाएंगे जो कंट्री लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन ही है, इसको बुरे तरीके से मत देखिएगा। अब बात करते हैं भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में। चुनाव आयोग जो है भारत में 3 सदस्यीय एक दल है या 3 सदस्यीय एक गठन है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके वो है सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर थे, चुनाव आयुक्त थे, तो इनके अलावा एक और चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र। तो मेन चुनाव आयुक्त तो यही होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी ही हैं जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा है। मेन काम तो इन्हीं का है लेकिन इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त रखे जाते हैं। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है या भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले पूरा हो रहा हो उसके हिसाब से होता है। सुनील अरोड़ा जी का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में खत्म हो रहा है, 2018 में शायद इन्होंने ज्वाइन किया तो मैं एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 3 साल का कार्यकाल इनको प्रॉपर मिला है। तो न्यायाधीश के समान होता है और इनका जो वेतन और भत्ते होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाअभियोग पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संगठन है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी।
आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले 1950 में गठित हुआ था तब से और 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था जो बाद में त्रिसदस्यीय निकाय बन गया। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह आरवीएस शास्त्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वहां पर और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एसएस धनोवा और बीएस सहगल सहित तीन सदस्यीय निकाय बना और 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय सदस्य निकाय बना और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह तीन सदस्यीय निकाय बन गया है। और भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, उनके बारे में याद रखिएगा। तो हाल फिलहाल अशोक लवासा एडीबी भेजे जा रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। इसके हेड अभी अध्यक्ष जो हैं वो बदले हैं, वो मासासुसु असाकावा बने हैं। इसका मुख्यालय माडुलियन फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। ये सारी जानकारी जो मैं लेके आता हूँ इसको स्किप मत किया करिए, जिस पे मैं डार्क सर्किल कर देता हूँ अगर आप लिख पाओ तो लिख लिया करो, ऐसा छोटा सा कहीं पे लिख लिया करो। जैसे आपने मैंने बोला था कि आप एक कॉपी बना लो उसमें लिख लिया करो कि एडीबी और 19 दिसंबर 1966। अब ऐसा होगा कि अगर आप कई बार लिखोगे तो कॉपी पर तो छपेगा दिमाग पर, आपको बार बार इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर चलते हैं। बेहद कांटे की टक्कर हुई आईपीएल स्पॉन्सरशिप के लिए। वीवो जो कि आईपीएल का मेन स्पॉन्सर था 440 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई को देता था आईपीएल के स्पॉन्सरशिप के तौर पर। इसके जरिए बीसीसीआई ने सारे करार जो थे वो वीवो को दे रखे थे। लेकिन अभी हाल ही में जब आपका प्योंग घाटी में आपका लद्दाख के पास जब चीन और भारत की सीमा पर थोड़ा सा तनाव बढ़ा तो ऐसे में भारतीयों के बीच में एक भावना जाग उठी चीन का सामान विरोध करने की। जब चीन का इतना तगड़े से विरोध हुआ तो बीसीसीआई को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएल का भी विरोध होने लगे, क्योंकि आईपीएल की जो स्पॉन्सर कंपनी वीवो एक चाइनीज कंपनी है। ऐसे में उन्होंने वीवो से अपना करार खत्म कर दिया। वीवो से करार खत्म करने के लिए बिना स्पॉन्सर के तो आईपीएल किया नहीं जा सकता, तो आईपीएल के स्पॉन्सरशिप की ढूंढने की तलाश जारी हुई। बड़े बड़े दिग्गज टाटा आया सामने कि हम यहां पर स्पॉन्सरशिप में बोली लगाएंगे, लेकिन इन सभी को पछाड़कर ड्रीम इलेवन ने बोली जीत ली। टाटा सबसे बड़ा दावेदार थी या कंपनी, आप थी के लिए बोल लीजिए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है जो भी है वो आप समझ लीजिए। तो टाटा सबसे बड़ी दावेदार थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि टाटा कह रहे थे कि मैं अपने अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्रमोशन करूंगी जहां पर भी मैं चाहती हूं, जबकि बीसीसीआई का कहना था नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आपको सिर्फ एक ब्रांड प्रमोशन के लिए स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, आप अलग अलग चीजों का प्रमोशन नहीं कर सकते, बिकॉज टाटा जो है वो बहुत सारी चीजें बनाता है और बहुत सारी अलग अलग चीजों का ब्रांड भी है। ऐसे में अब दो दिग्गज बचे थे, बायजूस और अनअकैडमी। अनअकैडमी और बायजूस ने जो बोली लगाई, अनअकैडमी ने 171 करोड़ रुपए में ये करार खरीदने की कोशिश की, जबकि बायजूस ने 201 करोड़ रुपए में ये करार खरीदने की कोशिश की और यहीं पर बाजी मार ले गया ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन ने ये करार 220 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम इलेवन द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल कर लिए गए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 220 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। ड्रीम इलेवन को एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए भारतीय कंट्रोल बोर्ड द्वारा आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप कंपनी ड्रीम इलेवन द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक ही मान्य होंगे और फिर उसके बाद इस अगले साल के लिए उसे फिर से बोली लगानी पड़ेगी। ड्रीम इलेवन की बात करें तो इसमें भी चाइनीज निवेशक हैं बट बहुत कम हैं, और इसका बात करें तो इसकी संस्थापना हर्ष जैन और भाविश सेठ ने की थी। इस पर इसके महेंद्र सिंह धोनी भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इसकी स्थापना 2008 में मुंबई में की गई थी, तब से ये कंपनी गेमिंग कंपनी है और काम कर रही है। तो हाल फिलहाल अब आपको ड्रीम इलेवन देखने को मिलेगा वीवो की जगह। अगली जानकारी पर चले तो अगली जानकारी एक रैंकिंग से जुड़ी हुई है। हाल ही में मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। यानी कि आईआईटी मद्रास टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स अरिया, है ना।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इनकी उपस्थिति में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई थी। पहली बार अरिया 2020 रैंकिंग में महिलाओं के लिए भी उच्च शिक्षण संस्थानों की विशेष श्रेणी शुरू की गई। अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इस श्रेणी में पहला स्थान पाता है। तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में, जबकि आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर, आईएएससी बेंगलोर चौथे नंबर पर पहुंच गया, जबकि आईआईटी खड़गपुर को पांचवां स्थान यहां पर हासिल हुआ है। ये रैंकिंग उन संस्थानों के लिए जारी की जाती है जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं, यानी कि जिनको फाइनेंस जो है, ये पैसा जो मिलता है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें सभी आईआईटीज आते हैं, तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है वो पहले स्थान पर आया है। अगली जानकारी की तरफ चलें तो एक और स्कीम है, क्योंकि इसका जो स्कीम का नाम रहा वो अटल रैंकिंग पे रहा, तो अटल रैंकिंग के ऊपर एक और स्कीम थी, अमृत मिशन। अमृत मिशन यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरीकरण की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए अमृत मिशन की बात की जाए, तो इस बार उड़ीसा ने इसके इंप्लीमेंटेशन को जीता है। अमृत मिशन आपका पाइपलाइनिंग से संबंधित है, सीवेज की समस्या से संबंधित है, और जो भी ऐसे कस्बे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, एक तरह से उनको ट्रांसफॉर्म करना है अर्बन की तरफ। तो हाल फिलहाल शहरी विकास मंत्रालय से शुरू किया गया, ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये जो अभियान है, इसमें उड़ीसा ने पहला स्थान पाया था। ये भी कुछ दिन पहले 11 अगस्त की न्यूज है जो मैंने आपको बताई थी। अगली जानकारी तक चले तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स यानी कि आदिवासी जनजातियों मामलों का मंत्रालय, आदिवासी जनजाति मामलों का मंत्रालय किसके पास है, वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा जी के पास है। अर्जुन मुंडा जी को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य नाम का एक जनजाति स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या है कि जो भी जनजातियां हैं उनके स्वास्थ्य, यानी कि जो भी जनजाति लोग हैं उनको स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी, उनका डेटा रिकवर किया जाएगा और उनके लिए जो विकास की योजनाएं हैं उनको सही तरीके से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक आलेख नाम का एक ई न्यूज लेटर शुरू किया है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपको आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधी आलेख होंगे वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। दो चीजें हैं, एक है स्वास्थ्य और एक है आलेख। स्वास्थ्य एक पोर्टल है जबकि ये एक न्यूज टेलर है, न्यूज लेटर है, मतलब कि एक तरह से न्यूज पेपर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। यह भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किए गए अनुसंधान करेगा, उनका अध्ययन करेगा, नवीन प्रथाओं के अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी के एकीकृत स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। अगर हम अर्जुन मुंडा जी की बात करें तो इस बार का जो 2020 का 66वां स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अच्छी तरीके से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सब्सिडी आप प्राप्त करते हो वो डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर की जाए। तो आदिवासियों की 5 छात्रवृत्ति योजनाएं थी जिनको अर्जुन मुंडा जी के मंत्रालय ने पूरी तरीके से जोड़ा, एकीकृत किया, और जिसके जरिए जो, जैसे आपको पता है कि जनजाति लोग शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत मतलब साक्षरता दर उनका बहुत कम है, बहुत कम लोग उसमें पढ़े लिखे, तो उसमें बेवकूफ बनाने वाली चीजें बहुत चलती हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ें कि अगर आप वृद्धावस्था पेंशन लेने जाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं जा पाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो उनको अधिकारी और परेशान करता है, और जैसे मान लीजिए उनकी 1000 रुपये पेंशन आने वाली है तो उनको 900 ही ट्रांसफर करते हैं, 100 अपनी जेब में रख लेते हैं। तो इस तरीके का चीज़ें ना हो पाए जिसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाई गई थी कि सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, इधर उधर नहीं होगा। तो ये अच्छे तरीके से काम कर गई और जिसकी वजह से जो आपके आदिवासी जनजाति हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तो 66वां स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का जो विषय रहा इस बार था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत था, और इसमें ये जो गोल्ड अवार्ड इस बार मिला है वो मिला है आपके जनजातीय मंत्रालय को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, ये 1 अगस्त की न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है लेकिन मैंने आपको रिपीट करा दिया ताकि आपको ये दोबारा याद बनी रहे कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला था, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों द्वारा पूरे अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 371 में डालने की मांग की गई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है या तो हमें आप शेड्यूल 6 में इंक्लूड करो
या फिर हमारे लिए अनुच्छेद 371 लाओ। अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 370 का भाई है। जिस प्रकार अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसी प्रकार 371 के अंतर्गत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो एक तरीके से ये जो मांग है, ये मांग इस तरीके की है कि क्योंकि अनुसूची 6 में स्वायत्त संगठनों का निर्माण शामिल है, यानी कि उसमें जो भी कार्यकारी या विधायी शक्तियां होती हैं वो वहां की लोकल बॉडीज को प्राप्त हो जाती हैं, वो अपने यहाँ के अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। हाँ, सरकार उनको सुरक्षा वगैरह प्रदान कर सकती है, वो छोटी इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 371 में भी सेम चीजें हैं कि एक राज्य को पूरी वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिसमें वो अपनी प्रथाओं को शामिल कर सकता है, अपनी चीजों को चला सकता है। तो हाल फिलहाल वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश ना तो 5वीं अनुसूची में है और ना ही 6वीं अनुसूची के अंतर्गत है, वो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आता है। इनर लाइन परमिट एक इस तरीके का होता है कि अगर मान लीजिए आप इधर से जा रहे हो यूपी वगैरह से और अरुणाचल प्रदेश घूमने जा रहे हो, तो जैसे किसी कंट्री में हम जाते हैं तो हमें वीजा लेना पड़ता है, वहां की सरकार से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसी प्रकार जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे, लाख आप पुल बना लीजिए अरुणाचल प्रदेश में, लाख आप ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप भारत के निवासी हैं, आपके पास भारतीय नागरिकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करते ही आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जिसके जरिए वो परमिट जब तक आपका रहेगा तब तक आप अरुणाचल प्रदेश में घूम फिर सकते हैं, तब तक आप अरुणाचल प्रदेश में रह सकते हैं। ये परमिट इसलिए है, ये प्रणाली इसलिए है ताकि भारत से या वहाँ की जो लोकल बॉडीज है, हमें देखा ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं और उनकी प्रथा बची रहे, वो कहीं हमारे जैसे ही ना हो जाए, मतलब उनका जो एक अलग सा फ्लेवर है, वो अलग सी जो संस्कृति है, जो इस तरह से वो खाना बनाते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जो उनका रहन सहन का ढंग है, वो कहीं हमसे प्रभावित ना हो जाए और उनकी जो विशेष छाप है, जो उनकी विशेष पहचान है, वो लुप्त ना हो जाए, उसकी रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश और पूरा पूर्वोत्तर भारत ही आई थिंक पूरा कंसर्न रहता है कि हमारी जो प्रथा है हम उसे त्यागेंगे नहीं, हम जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से रहेंगे, तो उसके लिए इस इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसे ये पर्याप्त नहीं लग रही। छठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको वहां पर स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी। 5वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें भी भाषाई आधार पर कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजाति लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करती है। सिंपल सी बात यह है कि ये कहानी शुरू होती है जब पूर्वोत्तर भारत को भारत के अंदर शामिल करना था, तो पूरा वो पूरा एरिया असम का था। एक कमिटी दिखाई देती है उस टाइम, बोर दोलोई समिति जब वहां पर अध्ययन करती है कि किस तरीके से ये पूर्वोत्तर भारत को भारत के साथ कनेक्ट किया जाए, तो वो वहां पर पाती है कि ये लोग अभी शिक्षा के रूप में या बहुत सारी चीजों के रूप में अभी पिछड़े हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि अगर इनके राजनीतिक अधिकार इनको ना दिए जाएं तो भारत में अन्य भागों से आने वाले लोग यहां पर आएं और इनका शोषण शुरू कर दें और इनको इतना दबा दें ये कभी दोबारा ऊपर ना आ पाए। ऐसे में ये व्यवस्था की गई कि उनको भारत के अंतर्गत तो लाया गया, लेकिन जो इनका स्थानीय निकाय है, उनको बोला जाता है स्थानीय स्वायत्त संगठन, उनका जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको कुछ वैधानिक अधिकार दिए गए जो भारत में और कहीं लागू नहीं है। कैसे हैं? 6वीं अनुसूची में जो प्रशासन है, 6वीं अनुसूची क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। स्वायत्त जिलों को राज्य विधानमंडल के भीतर स्वायत्तता का एक अलग दर्जा प्राप्त है, यानी खुद का वो गवर्निंग बॉडी खुद के होते हैं। 10 स्वायत्त जिले हैं जिसमें असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 है, जबकि त्रिपुरा में 1 है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी हो सकती है। आदिवासियों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद यानी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये जो है ये उनके लिए पूरे प्रशासन का कार्यभार देखती है। और ये किसके अंतर्गत किया जा सकता है? ये हमारे अनुच्छेद 244 और 275 के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 371 में क्या है कि जबकि राज्य विधानसभा द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होंगे। संसद कौन से कानून जो बनाएगी इन पर लागू नहीं होंगे? नागाओं की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथा पर संसद, भारतीय संसद कोई कानून नहीं बना सकती। नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया के ऊपर भी वो कुछ नहीं कर सकते।
नाग प्रथा और के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिकों और आपराधिक न्याय का प्रशासन भी वो नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? भारतीय संसद नहीं कर सकती। जमीन एवं उसके संसाधनों का स्वामित्व और किसको दिया जाएगा, मतलब कि रजिस्ट्री वगैरह के लिए आप भारत का राजपत्र नहीं ले सकते। वहीं पर कुछ वो अपना पट्टा वट्टा चलाएंगे तो वो अपना चलाएंगे, किसको पैसा दे रहे हैं, किसको जमीन बेच रहे हैं, उनसे आपको भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये है छठवीं अनुसूची, ये है अनुच्छेद 371। बात ये होती है कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भी अपने आप में सक्षम हो गए हैं, उनको लगता है कि वो स्वायत्तता को संभाल सकते हैं, और बाकी जगह चल रहा है तो उनको भी लग रहा है कि उनके साथ भी ये होना चाहिए। तो हाल फिलहाल उन्होंने भी इसकी मांग उठाना शुरू कर दिया है। अगली जानकारी है, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो ईंधन बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में आपके पेट्रोल में 5% बायो एथेनॉल मिलाया जा रहा है। बायो एथेनॉल गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। इसको मिलाने का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर 5% मिलाया जा रहा है तो 1.8 मिलियन क्रूड ऑयल जो है वो बैरल कच्चा तेल जो है वो उसका आयात हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम 5% का प्रयोग करते हैं। क्यों होगा भाई? पेट्रोल में अगर मान लीजिए जैसे ये गिलास है, आप इसमें पेट्रोल डालेंगे, थोड़ा सा बायोएथेनॉल लेते तो पेट्रोल आपका इतना हो गया, इससे गाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, गाड़ी का जो इंजन है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी वजह से जो ईंधन है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक होता है बायोएथेनॉल, इस वजह से जब आप इसका कंबस्शन करते हैं, जब यह इसका दहन होता है, तो जो वायु में कार्बन और नाइट्रोजन की जो मात्रा निकलनी चाहिए वो उतनी ज्यादा नहीं निकलती है, तो ये पर्यावरण के रूप से भी सही है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी जिसके लिए अगर हम बात करें तो पांचों उंगलियां यानी दसों उंगलियां जो है वो हमारी घी में रहेंगी। हर तरफ फायदा ही फायदा है, एक तो पर्यावरण सही रहेगा, दूसरा ये होगा हमें क्रूड ऑयल कम आयात करना पड़ेगा जिसकी वजह से भारत की जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट यही हो सकता है कि थोड़ा बहुत गाड़ी में खराबी आ सकती है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से इंजन का प्रयोग करें, BS6 इंजन का प्रयोग करें, तो बड़ी आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको जो है इसको 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया, तो ये प्रोग्राम तो 2003 से चल रहा है। एथेनॉल मिलाने का जो कार्यक्रम है वो तो 2003 से चल रहा है। वर्तमान में पेट्रोल में बायोएथेनॉल का सम्मिश्रण लगभग 5% होता है, और भारत आयातित कच्चे तेल पर कंपनी निर्माता को कम करना चाहता है। होगा क्या कि मान लीजिए अब एथेनॉल अगर आप मिलाना शुरू करोगे 5% 10%, तो लाना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं से, कहां से लाओगे? कहोगे गन्ने के रस से बनाएंगे, फिर गन्ने के रस की मांग बढ़ेगी, गन्ने की मांग बढ़ेगी तो किसानों को फायदा होगा। तो अल्टीमेटली इसका फायदा जो है वो किसानों को होगा। और एक नीति आपने सुनी होगी कि सरकार चाह रही है कि 2030 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए, डबल द फार्मर्स इनकम फ्रॉम एट द 2030, तो है ना, तो 2030 तक किसानों की आय को दोगुना करने का ये लक्ष्य जो है वो भी इसके माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अभी हम बात करें तो इंडिया ने 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया था, जिसकी जो थीम थी 2020 की वो थी बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगली जानकारी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने उत्तराखंड में एक नया मुकाम हासिल किया है। यहां पर 3 हफ्तों के अंदर ही 180 फीट ऊंची एक बेली ब्रिज का निर्माण किया है। कल हमने देखा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो मणिपुर में बनाया जा रहा है इजाई नदी पर। अब एक और हमने देख लिया कि सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने 180 फीट ऊंचे बेली ब्रिज को बना दिया है। इस पुल का निर्माण पिथौरागढ़ जिले के जाउल जीबी सेक्टर में हुआ है, जिसके बाद जाउल जीबी और मुंसियारी के बीच में संपर्क स्थापित हो गया। यह पुल कुछ समय पहले भारी बारिश और लैंडस्लाइड में बह गया था। इस ब्रिज का 50 मीटर लंबा कंक्रीट का हिस्सा 27 जुलाई को बादल फटने के बाद भूस्खलन में बह गया था। तो बेली ब्रिज कहां पर है? पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड। BRO की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 7 मई 1960 की। इसके संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। अगली जानकारी, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है रवि सोलंकी। रवि सोलंकी और उनके एक साथी, उनका साथी का नाम मैं भूल गया, हाँ रेमंड स्मिथ, उनके एक साथी रेमंड स्मिथ, इसीलिए मैं लिख के लाता हूं कि बाई चांस अगर मान लो भूल जाए तो गलत तो ना हो कम से कम। रवि सोलंकी और रेमंड स्मिथ ने मिलकर COVID-19 के दौरान एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसके जरिए जो इतना बड़ा भारी मात्रा में COVID-19 संक्रमण फैला, उसके डेटा को संग्रहित करने में, PPE के बंटवारे में, मतलब PPE के वितरण में, मास्क के वितरण में, दवाइयों के वितरण में और सुविधाओं के वितरण में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इन लोगों ने 24 घंटे 2 दिन दो दिन काम करके एक वेबसाइट बनाई जिससे तुरंत ही 5,43,000 लोगों को जोड़ा जा सका था।
और ये वेबसाइट ने इतनी ज्यादा लोगों की मदद की, इसके जरिए बहुत आसानी से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो भारतीय मूल के एक चिकित्सक रवि सोलंकी को महामारी सेवा के लिए यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों के लिए 19 विजेताओं में से एक विजेता के तौर पर नामित किया गया है। तो रवि सोलंकी, आपको पता चल गया उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी स्वास्थ्य सेवा के लिए, हीरोज के लिए एक सुरक्षित और पूरी तरह से कार्यशील वेबसाइट बनाने में मदद की थी, बहुत लगातार काम किया था, वो समझ गए थे कि इस वेबसाइट की वाकई में कितनी ज्यादा आवश्यकता है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बारी है न्यूज फटाफट की। विश्व फोटोग्राफी दिवस, हर साल की तरह विश्व फोटोग्राफी दिवस इस बार भी 19 अगस्त 2020 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि एक लुइस डागुरेड्रो, डागुरेड्रो उनका पूरा नाम था, डागुरे भी आप उन्हें कह सकते हैं, डागुरे क्योंकि फ्रेंच नेम है तो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। 1837 में जिस फोटोग्राफी को आप देखते हो, जिस तरीके से आप कागज पे फिल्म उतारते हो, उस प्रोसेस का निर्माण हुआ था, उस प्रोसेस की खोज की थी डॉक्टर फ्रेंचमैन लुइस डागुरे ने। तो डागुरे ने क्या किया, इसकी खोज की थी, इसीलिए इस दिन ये खोज हुई थी, इसीलिए इस दिन को हर साल 19 अगस्त को हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी कब मनाया जाता है, 19 अगस्त 2020 को। इसके अलावा विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दो डे हैं, एक फोटोग्राफी, एक ह्यूमैनिटेरियन डे। और 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए हैशटैग रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया। अब बारी है आज के वन लाइनर की। आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजाति मंत्रालय द्वारा ई पोर्टल शुरू किया गया, उसका नाम क्या है, स्वास्थ्य और आलेख नाम से उन्होंने एक ई न्यूज लेटर शुरू किया है। भारत में सबसे बेहतरीन केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों को अटल रैंकिंग में किस स्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, आईआईटी मद्रास को। अरिया बीआरओ ने उत्तराखंड के बेरी पुल का निर्माण किया है और अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। और इंडियन प्रीमियर लीग जो कि सऊदी अरब अमीरात में होने वाली है, यूएई में होने वाली है, कि सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किए हैं, ड्रीम इलेवन ने। छठवीं अनुसूची में देश के कितने राज्यों में लागू है, चार हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। और भारतीय मूल के एक चिकित्सक रवि सोलंकी को यूके प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब बारी है आज के क्विज की। भारत में सबसे बेहतरीन केंद्रीय, सबसे बेहतर होना चाहिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए किसको रैंकिंग में नंबर वन मिला है, आईआईटी मद्रास को। और किसने उत्तराखंड में बेली पुल का निर्माण किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान समय में हेड है। आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजाति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है, स्वास्थ्य, अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया इसको। और अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट किसने हासिल किए हैं, ड्रीम इलेवन ने। और छठवीं अनुसूची देश के कितने राज्य में लागू है, तो ये देश के चार राज्यों में लागू है। और सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की बात की है, तो 10% एथेनॉल मिलाने की बात की है। और उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को कोष में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। कहां पे स्थानांतरित करने की बात की गई थी, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, या फंड आप कह सकते हैं। भारतीय मूल के एक चिकित्सक रवि सोलंकी जी को महामारी के दौरान सेवा करने के लिए यूके प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित, प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को, जबकि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।